उधर देख रहा हूँ। तो धूम पकड़ ले या पैर पकड़ ले उसकी, छुटनी को नहीं होना आज से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टीम। दोस्तों जैसे कि आप लोकेशन देखे समझ चुके हैं, अभी दोस्तों मैं अपने छत के ऊपर में नहीं हूँ, अभी दोस्तों मैं एक दूसरे की छत के ऊपर में आया हूँ कबूतर पकड़ने के लिए। ये देखिए आप, ये हमारे घर की एक मादी है और अभी दोस्तों हम दूसरे की छत के ऊपर में आए, मतलब एक अपार्टमेंट के ऊपर में दोस्तों हमारे कबूतर पकड़ने के लिए। ये देखिए यहाँ पे टावर है और दोस्तों दो कबूतर मैंने लेके आया हूँ कबूतर पकड़ने के लिए। ये देखिए ये बहुत बड़ा टावर है, यहाँ पे दो टावर है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक शेराजी कबूतर बैठा है। तो दोस्तों इस कबूतर को पकड़ने के लिए हम यहाँ पे आए। दोस्तों फर्स्ट टाइम हम शिराजी कबूतर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दोस्तों फर्स्ट टाइम एक शिराजी कबूतर आया है तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। अभी दोस्तों हमने हमारे घर के कबूतरी के बन में धागा बांध के रखे और उसको पैराफिट के ऊपर बैठाए, जिसकी वजह से दोस्तों शिराजी कबूतर डरने को नहीं होना। तो देखते हैं क्या होता है, कबूतर पकड़ में आता है कि नहीं आता है। वैसे दोस्तों बहुत मुश्किल हो रही है इसको पकड़ने में, दो तीन बार दोस्तों कबूतर उड़ भी चुका है। और ये देखिए यहाँ पे तनवीर भाई का है कबूतर पकड़ने के लिए, एक कबूतर हमने यहाँ पे नीचे छोड़ दिए। अब देखते क्या होता है, तनवीर भाई बोल रहे हैं कि मैं जाता कबूतर पकड़ने के लिए इसलिए मैंने उनको भेजा। और एक कबूतरी हमारी बैठी है पैराफिट के ऊपर में, एक कबूतरी बैठी है नीचे में और शिराजी कबूतर बैठा है पैराफिट के ऊपर में। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कबूतर पकड़ में आता है कि नहीं आता है। दोस्तों तनवीर भाई मेरे से थोड़ी बात कर रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे गोलू कबूतर कहाँ पे है। अब तनवीर भाई उस कबूतरी को वहाँ से अलग कर रहे हैं जो हमने नीचे छोड़े पैराफिट के पास में। देखिए यहाँ से कबूतरी निकलेंगी डब्बे के पीछे से, ये आ गई कबूतरी बाहर। और देखिए शिराजी कबूतर कितने करीब में बैठा है, अब देखते क्या होता है। वैसे दोस्तों मैंने मेरी आँखें बंद कर दिया हूँ और दोस्तों सिर्फ रिकॉर्डिंग चालू रखा हूँ मोबाइल की, कबूतर पकड़ में आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों जो भी होगा वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। और दोस्तों जो भाई मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। एक मादी के पर में हमने धागा बांध के रखे नायलून का और उसको बैठा दिया हमने पैराफिट के ऊपर में, और शिराजी कबूतर बैठा है इसके बाजू में और एक कबूतरी बैठी है नीचे में, और दाना पानी हमने इसको सब दिखा दिए। और तनवीर भाई बोल रहे हैं कि गोलू टेंशन मत ले, मैं कबूतर को देखो पकड़ के दूंगा। काफ़ी देर से हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दाना पानी हमने सब दिखा दिया इसको। अगर वो दोनों कबूतर नहीं रहे होते अपने घर के तो कबूतर अभी तक के उड़ गया होता, बस वो लोहे के डब्बे की वजह से कबूतर पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोहे का डब्बा बीच में आ गया और कबूतर बैठा है वो साइड में पैराफिट के ऊपर में। तो दोस्तों अभी तनवीर भाई कबूतर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए उनके हाथ में एक कबूतर है, कबूतर को फड़फड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कबूतर उड़ जाएगा, क्योंकि वो लोहे के डब्बे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर कबूतर कहीं और बैठा होता तो कबूतर अभी तक के पकड़ में भी आ गया होता, थोड़ी जगह है वहाँ पे इसलिए कबूतर पकड़ में नहीं आ रहा। और तनवीर भाई को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कबूतर पकड़ने में। देखिए आप तनवीर भाई ने उस कबूतरी को कितना पास में लेके चल गए शिराजी कबूतर के, फिर भी उस लोहे के डब्बे की वजह से कबूतर पकड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कबूतर पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों फाइनल तनवीर भाई ने कबूतर पकड़ लिए, देखिए आप शिराजी कबूतर तनवीर भाई ने पकड़ लिए, कटपीस है, घर पे जाके इसका शॉक करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम हमने शिराजी कबूतर पकड़े, वो भी दूसरे की छत पे आके, दूसरे की छत के ऊपर में आके। देखिए टावर है यहाँ पे और ये टावर अपने घर से दिखता है, ये अपने कबूतर, ये दाने का डब्बा है और अभी पूरा अंधेरा हो चुका है। तो हम दोस्तों पतंग उड़ा रहे थे और अभी शाम का टाइम में देख सकते हैं आप ये पतंग रखी है। और तनवीर भाई ने इस कबूतर को पकड़े शिराजी, तो इस कबूतर के पहले पर बांधते और पर बांध के आपको शॉक कराते इसका। तो अभी हमने इस कबूतर के पर बांध दिए, देख सकते आप ये कबूतर है, पहले आग का शॉक कराता आपको मैं। सफ़ेद चोच है, काली आँख है, शिराजी कबूतर है ये। इधर के जो इसके पर है ये सफ़ेद है, 10 पर 6 इसके सफ़ेद, इधर के ना, इधर के 10 पर इसके सफ़ेद है। शिराजी दो बार बोलेंगे इसको, शिराजी दो बार भी बोल सकते, एक बार भी बोल सकते। ये देखिए इधर के कितने पर सफ़ेद है, इधर के 2 पर सफ़ेद है, ये इसके पर है। और दोस्तों पूछ तो कबूतर पकड़ने में उखड़ गई, जैसे कि आपने वीडियो में देखे होंगे क्या कबूतर को पूछती है, मगर जब तनवीर भाई ने कबूतर को पकड़े तो पूछ उखड़ गई थी। तो ये देखिए ये इसके हमने पूछ भी लिखा है बताने के लिए आपको, सबूत के तौर पे, ये सबूत के तौर पे बहुत अच्छी थी कबूतर की ये रही। ये देखिए ये पूछ है और ये पूछ पूरी झड़ी झाड़ने में थी, सिर्फ एक जो इसकी पूछ है ये अच्छी पूछ थी ये वाली। तो ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है, पूछ तो आ जाएंगी 30-40 दिन में, इस कबूतर की पूरी पूछ आ जाएंगी। पर के बाल देखिए कितने बड़े बड़े, तो पूरा ओरिजिनल ही कबूतर है, पूरा ओरिजिनल कबूतर है शिराजी। कबूतर पकड़ने में बहुत ज्यादा दोस्तों मजा आया और बहुत ज्यादा हमको डर भी लगा था कबूतर उड़ जाएगा। तो कैसा लगा कबूतर कबूतर पकड़ने में? ये कबूतर सबसे पहले जब उन पतंग उड़ा रहे थे तो ये यहाँ से गया बिल्डिंग के ऊपर से, गया कबूतर ऊपर से और याले अपार्टमेंट में जाके बैठा सामने वाले। ये देखिए यहाँ पे एक अपार्टमेंट है, याले अपार्टमेंट में बैठा तो किसी ने उसको पतंग से उड़ा दिया, तो याले अपार्टमेंट से उड़ के यहाँ से दिखता हूँ। ये देखिए टावर दिख रहा है आपको, ये टावर वाली बिल्डिंग पे जाके बैठा, ये 2 टावर है। बहुत मजा आया कबूतर पकड़ने में, चलो इसको छोड़ के दिखाता आपको मैं। रात में कबूतरबाजी कर रहे हैं हम, बहुत साइज में बहुत बिग साइज कबूतर है, उड़ेगा तो नहीं ना? नहीं माशाल्लाह दोस्तों क्या बड़ा कबूतर है, बहुत अपने आगे मतलब नर से भी ज़्यादा बड़ा है।
बहुत थकाया है कबूतर ने, और मुझे ऐसा लग रहा है कबूतर दो तीन दिन से घूम रहा था। हमने एक डब्बा दाना लेके गए थे और जब आखिर में हमने कबूतर को पकड़े तो डब्बे के अंदर दाना कुछ भी नहीं बचा था। और ये देखिए आपको और एक चीज दिखाना है, ये कबूतर के पैर में हमने नायलॉन बांधी थी, धागा दिखी धागा बांध के छोड़ी थी उसके बाजू में हमने। और ऐसी हमारे पास एक मादी, मादी भी दिखा था आपको मैं। अब मालूम नहीं ये मादी है कि नर है। ये नर है, ये नर है, बोलो ये नर है। ये अपने घर से है, ये देखिए ये है अपने घर की सिराजी मादी। सेम जोड़ा बन गया दोस्तों अपने पास। मादी तो एकदम प्योर है और नर हल्का सा मतलब पर पानी पीते थोड़ा दूर हो जाते हैं उसको पानी पी लेते। छत के ऊपर में तो अभी हमने लाइट लगाई थी, अभी तो मतलब ऐसा अंधेरा तो है नहीं ज्यादा, क्या कबूतर पानी वगैरह देख नहीं सकता। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन कबूतर को जाने नहीं दूंगा। कबूतर बहुत ज्यादा भूखा है तो अच्छा होगा हम यहाँ पे दाना डाल दिए। बाजरा भी डाल दो थोड़ा यहाँ पे गेहूँ खाने। और वो उसके बाजू में उसकी मादी है, मतलब अपने पास में सिराजी का बिल्कुल सेम पेयर बन गया, सेम जोड़ा बन गया। लाल लाल का अपन बना लेंगे, लाल के लिए मादी लेके जाएंगे दूसरी, और ये ब्लैक ब्लैक का सेम पेयर हो गया, सेम जोड़ा बन जाएगा। और ये इतनी सारी की सारी धूम एक ही बार में उखड़ गई। ये पूछ ऐसी भी खराब थी, ये पूछ झड़ी हुई चीज़ थी। तो दोस्तों इस कबूतर का शौक आपको मैं सुबह करूँगा और अच्छे से, अभी तो दोस्तों आपको रात में कुछ इतना समझ में आ नहीं पा रहा होगा, और सुबह इस कबूतर का आपको शौक करूँगा मैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों? अभी सुबह का टाइम है और जैसे कि आपने कल देखे, कल हमने एक सिराजी कबूतर पकड़े दूसरे की बिल्डिंग से। तो दोस्तों आज इस कबूतर का मैं आपको शौक कराने वाला हूँ। वैसे तो कल मैंने इस कबूतर का आपको शौक कराया मगर उतने अच्छे तरीके से शौक नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों आप, अभी मेरे सारे कबूतर बंधे, तो अभी दोस्तों मैंने मेरे सारे कबूतर खोल लिया हूँ। और देखिए आप, ये सिराजी कबूतर जो मैंने पकड़ा था कल, माशाल्लाह इसका साइज देखिए आप, बाकी कबूतर के मुकाबले कितना बड़ा साइज है। और दोस्तों मेरे घर में इतना बड़ा कोई कबूतर नहीं है। देखिए ये एक सिराजी मादी है, ये भी इतनी बड़ी नहीं है। ये हमारा अमेरिकन, देखिए अमेरिकन भी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये सिराजी कबूतर है। और कल हम पतंग उड़ाए थे इस जगह पे, तो ये कबूतर इधर से आया और ऐसा हमने इस कबूतर को देखे, तो कबूतर वहाँ पे जाके बैठ गया वो वाले फ्लैट पे। फिर वहाँ से कबूतर पतंग से उड़ा तो फिर उधर जाके बैठा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया। तो कल हम वहाँ पे गए थे कबूतर पकड़ने के लिए, तो हमने कल इस कबूतर को पकड़ के लेके आए। इसका साइज देखिए आप, और कबूतर पकड़ने में इसकी धूम उखड़ गई थी, तो धूम भी हमने लिखाई थी आपको बताने के लिए। जैसे कि आपने वीडियो में देखे होंगे कि तनवीर भाई ने इसको धूम के जरिए पकड़े थे। हमारे घर में भी टोटल चार सिराजी कबूतर हो गए, एक ये, एक ये ऊपर बैठा रेड वाला कबूतर, ये उतने बड़े साइज में नहीं है, और ये जो ऊपर बैठा है ये भी उतने बड़े साइज में नहीं है, और ये अपना बड़ा बिग साइज का सिराजी कबूतर। इसके जो पैर के बाल है ना, पैर के बाल भी टूटे हुए हैं, तो इसलिए आपको इतना बड़ा दिख नहीं रहा होगा, मगर जैसे इसके पैर के बाल आएंगे ना वैसे बहुत बड़ा कबूतर दिखेंगे आपको ये। माशाल्लाह दोस्तों इसके एक साइड के जो पर है ना वो 10 सफेद है, और एक साइड के जो पर है वो 2 सफेद है। बहुत ही लाजवाब कबूतर है ये। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कबूतर कैसा लगा। दोस्तों फर्स्ट टाइम हमने इतना सुंदर सिराजी कबूतर पकड़े। दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये कबूतर कैमरे से डर नहीं रहा, और जिनने ये कबूतर पकड़े वो अभी छत के ऊपर में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है इतना मस्त कबूतर पकड़ के? बहुत मजे का लग रहा है। अपने इतने कबूतर में एक भी कबूतर इतना बड़ा नहीं है, जो अपने अमेरिकन भी ना कर दिया उसकी धूम उखड़ गई पकड़ते पकड़ते। अरे धूम तो नहीं आ जाएंगे, वैसे भी इसकी जो धूम थी ना वो धूम खराब ही थी, धूम आने चली थी वैसे तो इसकी। और इतने कबूतर में अपना जो अमेरिकन कबूतर है ना उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया। अमेरिकन कबूतर इसके सामने छोटा लग रहा, वो भी बिना धूम के, बिना धूम के। ये जो कबूतर है ना लाहौरी सिराजी कबूतर है, मतलब ये बहुत बड़ा साइज का है। जो अपने पास में ब्लैक वाली मादी है ना उसका ही बाप है, तो लेकिन पेयर बिल्कुल सेम बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए उसके बाजू में एक सिराजी मादी है जो कि क्रॉस में है, उसका साइज देखिए आप और उसका साइज देखिए। और जबकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा जवान होने का ही चाहिए कबूतर, जो अपने यहाँ की ब्लैक सिराजी होगा वो दाना खा रही होगी ना, उसके साथ में कल इसका पेयर एक नंबर दिख रहा था। ये भी लालवानी हल्की थी और ये भी लाल फर्क दिख रहा है वो ज्यादा, ये जो है ना जेड ब्लैक है थोड़ा। अरे कबूतर मालूम जब बैठा था ना फ्लैट पे तो नीचे से इतना बड़ा दिख रहा था, उल्लू के ऐसा, उल्लू के समान, मतलब नीचे से क्लियर दिख जा रहा था कि सिराजी कबूतर। इसको पकड़ने में बहुत ज्यादा सर्कस होगी, और अपना एक नया कबूतर पैरापिट के ऊपर जाके बैठ चुका है, तो इसको नीचे उतरना पड़ेगा। मगर फिर भी देखिए ऊपर जाके बैठा, इसके पर बंधे हुए माशाल्लाह। दोस्तों नजर नहीं लगने को ना कबूतर को मेरे, मतलब पहली बार हमने लाइफ में पहली बार सिराजी कबूतर पकड़े। हाँ इसके पहले सेपिनेट पकड़े थे, दो बार सेपिनेट, सेपिनेट दो बार पकड़े, सेपिनेट दो बार पकड़े और सिराजी कबूतर एक बार पकड़े। इसकी जो गर्दन वगैरह है ना ये अलग ही अच्छी मोटी टाइप में ना। हाँ इसकी चाल भी अलग है, टुबक टू चलता है। तो दोस्तों जैसे इसका जोड़ा लगता है वैसे मैं आपको इसकी अपडेट दूंगा कि नर है कि मादी है। वैसे तो 100% मेरे हिसाब से नर है,
नर लग रहा है ना? नर ही है। मतलब तीन नर हो जाएंगे अपने अपने पास में और एक मादी हो जाएंगी। और भी कबूतर लेके आएंगे खरीद के फिर? और भी लेके आएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।